नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत चावला लाइव वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोने से पहले क्या ऐसे तीन काम आप करें जिससे आपका अगला दिन एकदम खूबसूरत जाए, बहुत ही अच्छा जाए और जो आप चाहते हैं वैसा ही जाए। दोस्तों, सब लोग अपनी क्लीनलीनेस हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, मैं मानता हूँ। आप कभी कभी किसी किसी एरियाज में बहुत गर्मी में रहते हैं तो शाम के वक्त नहा भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सर्दी भी है और सर्दी के मौसम में आप शाम के समय नहीं नहाते हैं। अगर आप मुंह धो लेते हैं तो यह समझते हैं आप फ्रेश हो गए। दोस्तों, हमारी जो एनर्जी का कनेक्शन होता है वह हमारे पैरों से होता है, हमारे फीट में होता है। मैं हमेशा एनर्जी की बात करता हूँ, मैं हाइजीन यहाँ पर नहीं लेकर के आ रहा। हो सकता है आपके फीट एकदम क्लीन हो, अगर आप अपने पैरों को धो करके सोते हैं, उनको ऑयल करते हैं, तो समझ लीजिए कि एनर्जी को आपने लॉक कर दिया, एनर्जी लीक नहीं होगी। सारा दिन आप थके, आपने इन पैरों से पूरे जहाँ में घूमा, इधर गए उधर गए, नेगेटिव जगह गए पॉजिटिव जगह गए, तो एनर्जी कनेक्शन आपका आपकी बॉडी से हटा नहीं अगर आपने इन्हें क्लीन नहीं किया और अगर आपने इन्हें ऑयल नहीं किया। लक्ष्मी पुराण में भी लिखा हुआ है कि जो सोते समय अपने पैरों को धोता है और अपने पैरों को चिकना रखता है वह हमेशा लक्ष्मीवान रहता है, यानी कि माँ लक्ष्मी उसके साथ हमेशा रहती है। तो पहला काम सोने से पहले आपने अपने पैरों को धोना है। जो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, धो नहीं सकते, वह वेट टॉवल से ज़रूर साफ़ करें अपने पैर को। और आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं लगाइए, ऑयल लगाना चाहते हैं ऑयल लगाइए, इससे एनर्जी डिस्कनेक्शन होगा, ख़ास तौर से नेगेटिव एनर्जी डिस्कनेक्शन होगा और आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। और अगर आपको नींद अच्छी आएगी दोस्तों, तो आपका अगला दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। दूसरा काम मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आप डिसकनेक्शन जरूर करें। डिसकनेक्शन कहां से किया जाता है? डिसकनेक्शन किया जाता है आपके नाभि के स्थान से। आपकी नाभि के स्थान से बहुत सारी दुनिया जुड़ जाती है। जो हमारा चक्र होता है नाभि पे, वह लोगों के साथ जुड़ जाता है, आपके एम्प्लॉयज के साथ जुड़ जाता है, आपके दोस्तों के साथ जुड़ जाता है, दिन भर में बहुत ऐसे लोग मिले जो दुखी थे उनसे जुड़ जाता है, कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी परेशानी आपके साथ आ गई, कुछ ऑफिस की परेशानियां आ गई। अगर आप डिस्कनेक्ट करके सोते हैं तो समझ लीजिए कि रात को जो सपने आपको आएंगे वह फ्रेश लाइफ के आएंगे, दिन भर की परेशानियों के सपने नहीं आएंगे। डिसकनेक्शन करने के लिए सिर्फ इतना करना है, अपनी नाभि स्थान पर ध्यान देना है, आंखें बंद करनी है, विजुलाइज करना है आपने कि आपका जो एक कनेक्शन नाभि से दूसरे लोगों के साथ निकल रहा है, समझ लीजिए कि एक रस्सी निकली आपके बॉस के साथ जुड़ गई, एक रस्सी निकली आपके किसी सबॉर्डिनेट के साथ जुड़ गई, दूसरी रस्सी निकली आपके किसी फ्रेंड के साथ जुड़ गई, आपका सड़क पे रोड रेज हो जाता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वहाँ जुड़ गई। इन सारी रस्सियों को एथरिकली एनर्जी वाइज आपने डिसकनेक्ट करना है। इट इज़ अ जस्ट 30 सेकेंड प्रोसेस कि आपने इन रस्सियों को काट दिया, कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। सोने से पहले अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद करते हैं, अपने घर का दरवाज़ा भी बंद करते हैं ताकि कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए। इसी तरीके से आप अपने ऑरा का दरवाज़ा भी बंद कीजिए दोस्तों, छोड़ दीजिए लोगों की प्रॉब्लम से फीड उनको करना। तो एनर्जी डिस्कनेक्शन ज़रूर कीजिए। यह सब करने के बाद जब आप थोड़ी सी नींद में जाने लगते हैं तो विजुअलाइजेशन पावर यूज़ कीजिए। विजुअलाइजेशन पावर यंग लोगों की बहुत स्ट्रांग होती है। यंग लोग सोचते हैं कि उनके साथ कोई फिल्म एक्ट्रेस आ गई है, वह डिनर कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, एक तरीके से फैंटेसाइज कर रहे हैं। जब आपकी फैंटेसाइज करने की पावर इतनी अच्छी है तो अगर आप अच्छी लाइफ का विजुअलाइजेशन लेते हैं तो कितना अच्छा होगा। बिजनेसमैन ऐसा समझें कि वह कल एक बिजनेस डील पर जा रहे हैं और वह बिजनेस डील फुल एंड फाइनल हो रही है, पूरी एकदम एकम्प्लिश हो रही है और आपके फायदे में गिर रही है, तो कितना अच्छा होगा। वह डील ज़रूर कंप्लीट होगी और आने वाले दिनों में वह डील आपके
पास आ जाएगी। इसी तरीके से जिनको जॉब करनी है, वह सोचे कि इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब क्लियर हो रहा है, सेल्स वाले भी अपने बारे में विजुलाइज कर सकते हैं, स्टूडेंट समझ सकते हैं कि उनको एजुकेशन बहुत अच्छी मिल रही है, तो विजुअलाइजेशन इज वेरी गुड। तो ऐसा करने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए, आपका जो भी इष्ट भगवान हो, जो भी आपके एंजल हो, जो भी आपके गुरु हो, कहिए कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो।